नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सामान्य विज्ञान प्रतिशत भाग 9 में, जिसकी परीक्षा संभावित जो डेट है वह मार्च में होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो इसमें भरा जाता है, आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? यह प्रक्रिया है आंशिक आसवन का, आंशिक आसवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो ये पाया जाता है अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? सिरके का प्राथमिक घटक, इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, कौन सा कागज है? तो वो है मोम युक्त कागज। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है, किसकी बनी होती है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें? इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलीथीन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बेकरल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेनरी बेकरल की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल की खोज से संबंधित थे, तो ये थे रेडियो धर्मिता के। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेबल दानेदार चीनी समानतः के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज के रूप में, और इसका सूत्र होता है चीनी का। C12 और H22 और O11, ये चीनी का सूत्र है जो ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये तकनीकी है
पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट यूनिट जो उस दिशा में घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से समानता बनाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस है। यहाँ पर बंदी है ऑस्मो, यहाँ पर इस तरह ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेफ्लान खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है, तो वह शामिल होता है, आंसर होगा बी फ्लोराइड, फ्लोराइड शामिल होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा डी बैटरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह उपकरण है, आंसर होगा बी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 18 है सुमेलित करने के लिए, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं हम लोग। रेडियो तरंगे किसके अनुप्रयोग में किया जाता है? रेडियो तरंगे जो है सेलुलर फोन। इसके बाद दूसरा दिया है माइक्रोवेव, तो ये जो है रडार प्रणाली विमान नेविगेशन में प्रयुक्त होती है। इसके बाद दिया है अवरक्त तरंगे, तो अवरक्त तरंगे जो है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स का रिमोट स्विच में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गामा किरणें, तो ये हो जाएगा इसका डी, यानी चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे जूलियस ओपनहाइमर, जूलियस ओपनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 20 है, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? ये पाया जाता है बीथियोनल के कारण, बीथियोनल। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी बर्जिलियस ने, बर्जिलियस। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और लिटमस को नीले रंग में।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार जो है लिटमस लाल क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये गलत हो गई, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्दों के चार जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो इनमें से अलग जोड़ा कौन सा है, तो वह है आंसर हो जाएगा सी कपूर संबंधे गैस का। इनमें से कौन भिन्न है, वही कपूर संबंधे गैस भिन्न है समोसे। क्वेश्चन नंबर 26 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 27 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, तो चलिए पहले इसको सुमेलित करते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अभी बताए हैं तो अल्फ्रेड नोबेल, डायनमो का आविष्कार तो ये किए थे माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन के आविष्कार जे जे टॉमसन, पोट्रॉन की रदर फोर्ड ने। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी सही सुमेलित है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।